नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सचिन तोमर, और आज फिर मैं आपको एक डिजीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। और जो ये मैं बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये हमारे पाचन तंत्र, हमारे डाइजेशन सिस्टम से जुड़ी हुई है, हमारी आंतों से जुड़ी हुई बीमारी है, जिसे बोलते हैं हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे IBS। IBS हम इसको बोलते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारी क्या आंतों से बीमारी है। और जो इसका मेन रीज़न है, यदि हम रीज़न की बात करें तो मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था, कहीं ना कहीं हमारा खान पीन और हमारी दिनचर्या इससे जुड़ी हुई है। इसमें होता क्या है, पहले आपको मैं बता दूँ ये है क्या, IBS है क्या। इसमें जो हमारे आते हैं वो उनका कहीं ना कहीं एबनॉर्मल, जो उसका मूवमेंट होता है आँतों का, वो एबनॉर्मल हो जाता है। जैसे आँत हमारी चलती है, खाने को डाइजेशन करती है, वो नहीं कर पाती, और जो आँतों के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज होने लग जाती है। स्टार्टिंग में नहीं पता चलता है इसके बारे में, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, इसमें पेन रहने लग जाता है, और जो स्टूल है उसमें भी कट कट के आंत आने लग जाती है। इसे बोलते हैं हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। हम बात करते हैं इसके कारणों की। यदि हम कारणों में बात करें तो सबसे पहले कि इसका कोई फिक्स कारण आज तक निकल के नहीं आया। इतनी स्टडीज इसके ऊपर हो रही, लेकिन कोई फिक्स कारण इसका निकल के नहीं आया कि यही इसका कारण है। लेकिन कुछ कारण है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 4-5 एक कारण है, इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप किस कारण के कारण आपको ये IBS हुआ है। इसमें सबसे पहले जो कारण है, जो हमारी आते हैं वो एबनॉर्मल काम नहीं करती, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो सही तरह से काम नहीं करता, और जो हमारा ब्रेन से और GI ट्रैक्ट होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आंतों को कह सकते हैं हम सिंपल भाषा में, आंतों को का ट्रैक्ट, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं जो सिग्नल होने चाहिए सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल हो जाता है। क्योंकि दो हार केमिकल होते हैं, इसको बोलते हैं हम सीरोटिन और गैस्ट्रिन। तो ये क्या होते हैं हार्मोन, सीरोटिन और गैस्ट्रिन, ये क्या करते हैं, नर्व सिग्नल भेजते हैं ब्रेन से GI ट्रैक्ट में हमारे खाने पचाने के लिए। कहीं ना कहीं जो केमिकल है इसमें कहीं ना कहीं एबनॉर्मल हो जाए, और जो केमिकल है सही सिग्नल नहीं भेज पा रहे। मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, ज़्यादा मेडिकल लैंग्वेज में मैं नहीं जाऊँगा, जिससे कि आप समझ नहीं पाओगे। आपको सिंपल तरीका है, जब ये केमिकल इनमें कहीं एबनॉर्मल हो गए, चेंज हो गया, या ये केमिकल सही तरीके से सिग्नल नहीं भेजते हमारे ब्रेन से GI ट्रैक्ट में, सही सिग्नल नहीं भेजते, तो आँतों, जो हमारे आँख का फंक्शन है, जो स्क्वीज होती है हमारे आँख, वे सही तरीके से नहीं हो पाती है। उसके कारण ही जब आंतें काम नहीं करेगी तो हमारा जो खाना है वो सही तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा। आप ये समझ लेना, जो हमारा खाना है वो सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो यही इसको हम IBS कह रहे हैं। बात करेंगे फिर आगे कारणों में जंक फूड, क्योंकि जंक फूड का भी सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि यदि आपको मैं बताऊँ, जितनी भी डाइजेशन से संबंधित बीमारी है, जितने भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जो हमारी आंतों का रास्ता, जितना भी यदि कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रहा है आज के टाइम, उसमें सबसे बड़ा जंक फूड का रोल है। और फिर हमारी दिनचर्या, हमारा जो शेड्यूल है, हमारे जो लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सरसाइज निकल गई है, हमने अपने हाथ पैर चलाने कम कर दिए, तो ये हमारी आंतों को बहुत बड़ा, क्योंकि जो हमारे आंतों का चलना चाहिए एक रेगुलर मूवमेंट होता है वो नहीं होता है। क्योंकि जितने जंक फूड होते हैं ये ऐसी गैस प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे केमिकल बनाते हैं, जिससे कि हमारे ब्रेन से जो सिग्नल निकलने चाहिए खाना पचाने के लिए, वे नहीं निकल पाते हैं। आगे बात करेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि स्ट्रेस हमारे GI ट्रैक्ट को बहुत बड़ा अफेक्टेड करता है, हमारे खाने को पचने नहीं देता है। और फिर बात करते हैं स्मोकिंग और या अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक हो या हार्ड ड्रिंक, ड्रिंक कोई सा भी हो, जितना भी आपके ये ड्रिंक आ रही है, चाहे वो हार्ड हो चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक हो, वो भी हमारे आंतों का जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं होने पा रही है। कुछ मेडिसिन है, कुछ एलोपैथिक मेडिसिन है, या कुछ ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जिसके कारण भी कोई सी बसम है बहुत सी, जो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और जिसको हम लंबे समय से खा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे GI ट्रैक्ट को अफेक्टेड करते हैं। तो ये कुछ कारण है जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि आप किस कारण के कारण आपको IBS हुआ है। अब हम IBS को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है IBSD। IBSD का मतलब है डायरिया, क्योंकि जो भी पेशेंट में IBS होगा उसमें डायरिया रहेगा, डायरिया मतलब दस्त रहेगा, दिन में 5 बार भी जा सकता है, 10 बार भी जाता है, मैंने देखा है 20-20 बार भी जाता है, ठीक है। फिर सेकेंड होता है IBS-C। IBS-C होता है कॉन्स्टिपेशन। इन पेशेंट में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन मिलेगा, आप इनको कितनी भी दवाई दो लेकिन इसका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होता है, आप कंप्लेन यही मिलेगी, सर कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन है। थर्ड है IBS-M।
IBS-M उन पर्सन में होता है, पेशेंट में होता है जिनको दोनों होते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी होता है और डायरिया भी होता है। बहुत बार हमने देखा है कि वो बोलते हैं सर एक दिन तो डायरिया हो जाता है, दो दिन कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, फिर डायरिया हो जाता है, इस तरह का पेशेंट। फोर्थ होता है IBS-U। IBS-U होता है मतलब कि इन जो तीन मैंने आपको बताया है इनमें से किसी के भी सिम्टम्स नहीं मिलते, ना डायरिया के सिम्टम्स मिलते हैं, ना कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स मिलते हैं उसको। एक रेगुलर, ना तो उसको डायरिया मिलेगा ना उसको कॉन्स्टिपेशन मिलेगा, रेगुलर रहेगा जो स्टूल है वो जो होता है उसका रेगुलर रहेगा, ना तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा और ना डायरिया रहेगा। अब बात करते हैं लक्षणों की। इसमें जो सबसे पहला मेन प्रोमिनेंट सिम्टम्स होगा वो होगा डायरिया। जिस पेशेंट को IBS है उसको डायरिया मेन रहेगा, ऐसा नहीं कि डायरिया ही रहेगा, किसी में देखा कि कॉन्स्टिपेशन भी होता है, जो मैं आपको अभी बताया है कॉन्स्टिपेशन भी रहता है किसी को, किसी को डायरिया भी रहता है, किसी को अल्टरनेट रहता है, कभी दो दिन डायरिया हुआ, दो दिन कॉन्स्टिपेशन रहा। लेकिन जो मेन आपको मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ वो पेन, पेन रहेगा लोअर पार्ट में, जो पेट का जो लोअर पार्ट है उसमें दर्द रहेगा। वो जो दर्द कब बढ़ेगा ये मेन सिम्टम्स है इसका, इससे आप डिफाइन कर सकते हो। जब हम खाना खाएंगे और खाना खाते ही पेट में दर्द हुआ तो आप समझ लेना कि आप IBS बीमारी से अफेक्टेड है। पेन रहेगा लोअर पार्ट में और खाना खाने के बाद पेन बढ़ेगा। फिर यह गैस, इतनी गैस बनेगी कि पेट ऐसा रहेगा पत्थर की तरह, यदि आप पेट को हाथ लगाओगे ना तो पेट दबेगा नहीं, ऐसे लगेगा कोई पत्थर उसमें दबा हुआ है, इतने तरह हर टाइम गैस बनेगी उसमें। और दर्द ऐसा रहेगा कि उसमें चुभ रहा है, ऐसा लगेगा कोई इसमें सुई सी जैसी चुभ रही है पेट के लोअर पार्ट में। ये से कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि आप IBS जैसी बीमारी से अफेक्टेड हो या नहीं है। और जो इसमें स्टूल होगा वो कभी हार्डर हो जाएगा, कभी सॉफ्टर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें एक जैसा स्टूल रहता है, कोई फिक्स नहीं है, हार्डर भी हो सकता है और सॉफ्टर भी हो सकता है। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि आपको IBS है या नहीं है। फिर आप कुछ अवेयरनेस, यदि आप इसमें कुछ बचाव करोगे तो आप इस बीमारी से पहले तो होगी नहीं, और यदि है भी तो जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ यदि आप ये नियम फॉलो करोगे तो आप इस बीमारी को विदाउट मेडिसिन बिना दवाई के भी आप ठीक कर सकते हो। इसमें सबसे पहले कि आप अपनी जो दिनचर्या है उसमें कहीं ना कहीं आपको चेंज करना है। अपनी दिनचर्या में जंक फूड को निकालना है, हल्की एक्सरसाइज करनी है, चाहे आप एक्सरसाइज कुछ भी करें जो आपको पसंद है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही एक्सरसाइज करनी है, जो आपको अच्छी लगती है वही आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। और स्ट्रेस अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दीजिए, स्ट्रेस के मैनेजमेंट के लिए आप मेडिटेशन करिए, क्योंकि स्ट्रेस हमारे डाइजेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, क्योंकि जितना हम स्ट्रेस लेंगे जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन हैं वे ज़्यादा निकलेंगे, वे निकलने के बाद जो हमारे GI ट्रैक्ट हैं हमारी आंत को जो सिग्नल भेजने चाहिए वे सही तरीके से नहीं भेजते, जो आंतों को अपना काम करना चाहे वो नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ये बीमारी वहाँ से निकल के आती है। यदि आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस निकाल दोगे तो आप इस बीमारी से बिल्कुल 100% ठीक हो जाओगे। और अपनी लाइफ से आपको क्या निकालना है, एल्कोहल, एल्कोहल आप 100%, क्योंकि एल्कोहल क्या करता है, एल्कोहल हमारी आंतों में सूजन पैदा करता है, हमारी आंतों में गैस ज़्यादा बनाता है, जिसके कारण क्या होगा जो हमारी आंतों का मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। इसलिए एल्कोहल और जो ड्रिंक है, जो सॉफ्ट ड्रिंक आती है, इसको भी अपनी लाइफ से निकालना है, चाहे चाय नहीं पीनी है, जाते कॉफ़ी नहीं पीनी है, जितना हो सकता है फाइबर युक्त, जिस खाने में फाइबर ज़्यादा हो वो आपको लेना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। 4-5 चीज़ें, अच्छी तरह आपको नींद लेनी है, प्रॉपर आपको नींद लेनी है, अच्छी डाइट लेनी है, तो आप इस बीमारी से 100% ठीक हो जाओगे। बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। यदि होम्योपैथिक मेडिसिन में आपको मैं चार आपको मेडिसिन बताऊँगा, ये आप चार मेडिसिन आप होम्योपैथिक फार्मेसी से लाओगे, इनका चाहे आप कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो अपने घर पर, चारों होम्योपैथिक मेडिसिन को मिक्स कर लो तब भी ले सकते हो, मिक्स नहीं कर सकते तो चारों मेडिसिन की दो दो बूंद सीधा जीभ पर भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और जो मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल है, इसमें कोई थ्योरेटिकल नहीं है कि पढ़ा पढ़ाया मैंने आपको बता दिया, ये प्रैक्टिकल है, जो मैं अपने क्लिनिक पर यूज करता हूँ वही मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ जो मैं जानता हूँ क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप इस बीमारी को लेकर क्या करते हैं, हॉस्पिटल में धक्के खा रहे हैं, फालतू की इन्वेस्टिगेशन कराने जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू के नीम हकीमों के चक्कर में पड़ रहे हो, चूरन चटनी खा रहे हो सालों से लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता। इसलिए ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, आपको इसमें आपको ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। आप जो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ इसको नोट कर लीजिए, नोट नहीं कर सकते तो आप जो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप,
इसमें जो पहली मेडिसिन है एलोए, एलोए सोकोटिना आप 30 में ले सकते हो या 200 में ले सकते हो। सेकंड मेडिसिन है एल्यूमिना, एल्यूमिना भी आप 30 में ले सकते हो, 200 में ले सकते हो। थर्ड मेडिसिन है कार्बोवेज, कार्बोवेज भी आप 30 में लो या 200 में लो। फोर्थ मेडिसिन है नक्स वोमिका, नक्स वोमिका भी 30 में लो 200 में लो। क्योंकि मैं आपको ज़्यादा इनके सिम्टम्स नहीं बताऊँगा कि एलो में ये होता है, एल्यूमिनियम में ये होता है, कार्बो में होता है, नहीं, मैं आपको एक पैटेंट बताता हूँ जो मैं कॉम्बिनेशन खुद यूज करता हूँ, वही मैं आपको बताता हूँ। चार मेडिसिन आपने ली, चारों मेडिसिन का आपने कॉम्बिनेशन बना लिया, अब आप इनका क्या करना है, चारों मेडिसिन की आप दो दो बूंद सीधा जीप पर डालो, जीप पर भी नहीं डाल सकते, थोड़ा पानी लो उसके अंदर दो तीन बूंद डालो और दिन में 3 बार लो। लेकिन याद रखना, जब भी आप ये दवाई लो 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद आपको कुछ नहीं खाना है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीना है, मुंह में कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, कोई गुटखा तंबाकू या कोई लेडी लिपस्टिक लगाती है ज़्यादा स्मेल वाली, वो नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप ये मेडिसिन लो स्मेल वाली चीज़ बिल्कुल ना लें, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और क्योंकि जो मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ आज, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, सब आपका ही फायदा है। और आपको यदि कोई बात समझ भी नहीं आती तो स्क्रीन पे जो मेरा नंबर है इस पर अपनी जो भी आप रिपोर्ट है, ये जो माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, वो आप टाइप करो और मुझे भेज दो, और मैं तभी आपको उसका आंसर दूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। हो सकता है बहुत बार ऐसा कंप्लेन आई है सर आप उसका आंसर नहीं देते, क्योंकि बहुत बार मैं बिजी शेड्यूल रहता है, टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन मैं देता जरूर, चाहे वो एक दिन बाद दूँ तो उसके बारे में उसकी जो मुझे पता है जो मेडिसिन है वही मैं आपको बता दूँ। कोई इन्वेस्टिगेशन कराई है वो बता दो, यदि किसी और बीमारी के बारे में जानना है, जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ इसी बीमारी, कोई भी बीमारी हो जो आपके घर में हो आपको हो, और आप उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन जानना चाहते हो और आपको ये बताओ सर मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा, वो बहुत से मेरे पास मैसेज आते हैं सर इसकी एलोपैथिक मेडिसिन बताऊँ, तो एलोपैथिक मेडिसिन मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर, तो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊंगा। यदि किसी को होम्योपैथिक मेडिसिन जाननी है किसी भी बीमारी की, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप पे है मेरा नंबर है, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपको तभी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है वो दबाइए, और जो इसको वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, क्योंकि जो ये बीमारी मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका कहीं भी ट्रीटमेंट है, आप चाहे कितने हॉस्पिटल में धक्के खा लो, लेकिन ये आपको मैं फ्री में बता रहा हूँ, एक पेटेंट है जो मैंने बनाया वही मैं आपको शेयर करता हूँ। तो इसलिए आप इसको जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अधिक आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, सर इस बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, मैं उसी बीमारी के बारे में आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।